कुटकी के भाजपा नेता की पुत्री अपहरण मामले में भाजपा विधायक राज सिन्हा एवं एक विहिप नेता की वायरल ऑडियो मामले में राज सिन्हा ने अपनी सफाई दी है। मीडिया से बात करते हुए राज सिन्हा ने कहा कि ऑडियो वायरल करना उनके छवि को बदनाम करने की कोशिश है। वो जनता कैसे आसानी से उपलब्ध हैं, यही वजह है कि कोई भी शख्स अगर फोन करता है तो वो स्वतंत्र रूप से बात करते हैं। ये जग जाहिर है कि उक्त भाजपा नेता की पुत्री की बरामदगी के लिए उन्होंने किन किन पुलिस के अधिकारियों से बात की है। अब सुबह में उनकी सरकार नहीं है, इसलिए वो सड़क पर उतरकर लाठी डंडा नहीं चला सकते हैं। आगे हम आपको कुछ और बताएं, उससे पहले ये वायरल ऑडियो सुनिए। कृपया वायरल ऑडियो का शॉट लगाएं। हेलो सर, मेरी बात राज सिन्हा जी से हो रही है? हाँ बोल रहे हैं। विधायक जी हेलो बोल रहे हैं। जय श्री राम। हेलो हाँ जय श्री राम। अच्छा, कृष्णा मोदी जी को पहचानते जानते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई। हाँ हाँ, मैं प्रमोद मिश्रा बोल रहा हूँ, मुंबई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से। बोलिए। तो उनके लिए आपने क्या किया अभी तक? मैं बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, बहुत इज्जत से, बहुत सम्मान, क्योंकि आप हमारी पार्टी के नेता हैं। हाँ, आप बताइए हमें, आपने क्या किया उनके लिए? नहीं, ये हम आपको जवाब देने के ये में नहीं है। हम आप पूछने वाले कौन होते हैं, हमसे क्या किया? अरे भैया, हम आपको वोट देते हैं, हम भाजपा को समर्थन देते हैं, हमको जो करना है वो करते हैं। कृष्णा मोदी भी जान रहे हैं कि हमने क्या किया है, तो बताएंगे आप मेहरबानी करके बताएंगे। ठीक है, हमसे जो पूछने का यहाँ पर है वो लोग, ये कोई बात नहीं होती साहब। हेलो, ये कोई बात नहीं होती है। आप विधायक बने ना तो हमारी वजह से बने। हेलो, बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं, क्यों सबको बना लेते हैं विधायक? वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप विधायक बने ना तो हमारी वजह से बने। केवल में जो बात कर रहा है ना, आप आइए, धन्यवाद, आपको बताते हैं हमने क्या किया। वैसे फोन से तेवर से हमसे बात मत कीजिए, आप और विधायक की तरफ मत कीजिए हमको। अरे हम तेवर नहीं दिखा रहे, हम विधायक नहीं पूछ रहे हैं। आप प्यार से पूछ रहे हैं, आपके बोलने का लहजा दिन रात हम भी बातें करते हैं। अच्छा बताइए, मैंने क्या गलत पूछ लिया? यही पूछ रहा हूँ ना, उनके परिसर में आपने क्या किया? अधिकृत नहीं है, आप कौन होते हैं पूछने वाले हमसे, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अरे आप हमारे सेवक हैं तो हम किसको पूछने जाएंगे? आप जिससे पूछने आ जाइए, आप अपना पूछते रहिए। अरे पुलिस स्टेशन आपके अंडर में आता है, विधायक जी आप है क्षेत्र के, तो देखिएगा कौन भैया आपके कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी हैं। अरे हमारा कार्यकर्ता है तो हम देखते हैं, हमारा काम है, हम देख रहे हैं। तो हुआ क्या, वही तो पूछ रहा हूँ, 5-7 दिन हो गया मैटर को। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस छापामारी कर रही है, घूम रही है, FIR कर रही की है। लड़की तो पुलिस के बरामद के पास से उनके घर गई थी, वो घर में रख नहीं पाए, फिर दोबारा भाग गई। लड़की बालिग है, उसमें क्या किया सकता है। अच्छा मतलब जो हुआ वो सही हुआ। आज भी हमने SSP से बात किया है। अपने लड़की को संभाल के रखिएगा नहीं आप। अच्छा। आप जब थाना से लड़की उनके घर चली गई, फिर लड़की ने रख पाया, फिर रात में भाग गई वो घर से। मैटर एक्चुअली मैं भी पूरा समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ लड़के थे ना, आप जिस तेवर में सीधे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है ना कि मैटर साहब सुनिए जरा, नहीं ऐसे ऐसे बोलने से ना होगा, आप पहले बात समझिए क्या है। नहीं, मुंबई में बैठे और यहाँ की सिचुएशन को ट्रीट कर रहे हैं, इस प्रकार से लग रहा है कि हम घास छीलने वाले लोग हैं। नहीं, हमने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं, मतलब मैंने खाली ये पूछा। समझ में आता है ना आपका टोन, हम भी दिन रात बात ही करते हैं, दिन रात पोरी ही पकड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और ऐसे हम यहाँ से विधायक नहीं बनते हैं। नहीं ठीक है, विधायक आप कैसे बनते वो भी हमें पता है अच्छी तरह से, वो नाम खाली एक ही है, नरेंद्र भाई मोदी जी का। अरे छोड़िए छोड़िए, उसे बात सिखाइएगा दूसरे को, समझे। धनबाद में और झारखंड में बहुत लोग चुनाव लड़े नरेंद्र मोदी, सब लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ लेते हैं, तो क्या नहीं सबको जीता दिए, मुख्यमंत्री तो हमारे यहाँ हार गए। ऐसा बात कर रहे हैं आपको, लग रहा है कि खैरात पाल रहे हैं, चलो तो फालतू आदमी है। ठीक है, मैं जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीतता होगा जो वो उससे बात कीजिएगा। चलो ठीक है, ये अभी छापेमारी चालू है ना, पता नहीं कौन। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उससे आपको बता दें कि एक दिन पूर्व धनबाद से भाजपा विधायक राज सिन्हा एवं महाराष्ट्र के किसी विहिप नेता के बीच बातचीत का ऑडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें राज सिन्हा ये बोलते पाए गए थे कि उन्होंने मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीता है। अगर इतनी ही मोदी लहर होती तो सूबे के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं हारे होते। 5 सालों तक वो जनता के बीच रहे हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। उसी का फलाफल देते हुए जनता ने उन्हें दूसरी बार विधायक बनने का काम किया है। जोर देकर कहा कि अगर इतनी ही मोदी लहर हावी थी तो भाजपा के सभी सांसदों और विधायकों को चुनाव जीत जाना चाहिए था और राज्य से हमारी सरकार भी नहीं गिरनी चाहिए थी। माँ बाप है, पार्टी के बदौलत ही हम विधायक हैं, लेकिन इसकी आड़ में कोई बदनाम करे ये उचित नहीं है। जिन लोगों ने भी पर्दे के पीछे से खेल खेलने का काम किया है, धनबाद की जनता आने वाले वक्त में उन्हें जवाब देगी। चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जनता में आदमी काम भी करता है और छवि अच्छी नहीं रहती है तो पार्टी से टिकट देने के बाद भी लोग हार जाते हैं। तो मैंने यही बात कहा है उसमें कि भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल मोदी जी के नाम पर ही जीत करके चुनाव, हम लोग क्षेत्र में भी मेहनत किए हैं, 5 साल लोगों के बीच में रहे हैं, और अगर केवल मोदी जी के नाम पर ही अगर लोग जीत करके आते तो भाजपा कहीं चुनाव हारती नहीं, लोकसभा में भी कोई एमपी नहीं हारता, विधानसभा में कोई विधायक नहीं हारता। तो ये अनर्गल, ये सीधा सीधी मेरे छवि को धूमिल करने का एक साजिश था, मुझसे बुलवा करके, मुझसे रिकॉर्ड करके, और अब और उस साजिश के तहत उसको वायरल किया गया, उसको वीडियो रूप दे करके उस ऑडियो को अब चलाया गया, मीडिया के पास भेजा गया। तो ये साजिश धनबाद की जनता इसको समझती है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हमारे मन में क्या है नहीं है वो हम जानते हैं, उसके लिए हमको कुछ सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। और पार्टी हमारी माँ बाप है, जो भी है वो पार्टी के बदौलत है। लेकिन कौन लोग हैं जो इस तरह की साजिश को अंजाम दे सकते? अब चलिए, जो लोग हैं वो सब अपने आप, उनको उनके ऊपर मुझे नहीं कुछ कहना है, मुझे नहीं कुछ करना है, सब ईश्वर देख रहे हैं। और ऐसे लोग जो मेरे छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार की साजिश किसी की बेटी के कॉस्ट पर कर रहे हैं या किसी पिता के भावना के ऊपर चढ़ करके वो राजनीति कर रहे हैं, तो सब प्रभु देखने वाले हैं कौन क्या प्रयास कर रहा है, कौन ईमानदारी से प्रयास कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब उनके ऊपर हम छोड़ते हैं। आपको बता दें कि इसी बीच गुप्ता भारती भरत युवती के द्वारा एक पत्र भी सोशल मीडिया में वायरल किया गया है, जिसमें उसने अपने माता पिता पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही एक अन्य वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की कलमा पढ़ते हुए दिख रही है, जिसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले को लेकर धनबाद कोयलांचल की राजनीति गर्म हो चली है। आप 10 साल से बैठे, समझे बहुत जल्द आ गए, सब लोग आपकी जो लड़ाई लड़ना लड़ेंगे, आपकी लड़की मिल जाएगी। प्रकाश में आया है क्या कहना चाहिए? जिस तरह से इनकी लड़की को बलात्कार से मिलाकर और भगाया गया है, ये बहुत ही एक ये बहुत ही मतलब खराब स्थिति है। जब से ये सरकार कांग्रेस की सरकार बनी है, मुझे लगता है कि लगातार इस तरह की घटना हो रही है। आज के डेट में हमारे कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लगातार इस तरह से घटना हो रही है। चाहे ये हमारे लड़कियों के साथ बहला फुसला के लोग भगा जा रहे हैं, या कोई दुष्कर्म हो रहा है, या बलात्कार हो रहा है, हर तरह के रोज ये संख्या बढ़ रही है। इस पे प्रशासन निष्पक्ष जाँच करे, कार्रवाई करे, और नहीं तो अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरह से हम लोग इस चीज को आज लड़की का आज हमको लगता है कि 8 दिन से टाइम हो गया है, प्रशासन हाथ धो, इस पे प्रशासन निष्पक्ष जितना जल्दी से जल्दी उस लड़की को खोजकर हम लोग को हवाले करे, नहीं तो अगर कोई भी दंगा फसाद होती है
करके, इसका जिम्मेवार सिर्फ प्रशासन होगा। इसमें श्री राम सेना हत्या की उसी लड़की को नहीं है, गायब है और आपराधिक किस्म का व्यक्ति लोगों का मनोबल जो बढ़ रहा था, हमारी बेटी, आपकी बेटी, उनकी बेटी आज असुरक्षित महसूस हो रहा है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग किए हैं कि अगर दो चार दिन में अगर ये मामला क्लियर नहीं होगा तो धनबाद जिला बंद किया जाएगा और समय आने पर आत्मदाह भी करेंगे और कुकी थाना को घेराव भी किया। ये लगातार 10 दिनों से अखबार में, अखबार के स्वरूप में है और प्रशासन द्वारा ढिलाई बरती जा रही है और हमने डीएसपी से भी, एसएसपी से भी और थाना प्रभारी से मैंने बात किया, उन्होंने एक दिन दो दिन का समय ले रहा है जबकि ये घटना सीधा सीधी एकदम अपहरण का है और अपहरण करके उस बच्ची को मार दिया है कि जिंदा है कि बचा है, घर को इस क्षेत्र के सभी लोगों का संदेशा भी है और प्रशासन इसको अविलंब गिरफ्तार करे जहां कहीं भी हो, अन्यथा कोई भी अनहोनी घटना घट जाए तो इसका पूरा जवाब दे प्रशासन होगा, कुटकी थाना होगा और पूरा जिला प्रशासन होगा। सर अब आगे की प्रक्रिया आप लोगों क्या है? देखिए आगे की प्रक्रिया अभी सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि 48 घंटा का अल्टीमेट देंगे हम लोग प्रशासन को। 10 दिन होने चला, 10 दिन के दरमियान आज तक किसी भी तरह का कोई निर्णय सामने नहीं आया और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रशासन फेल है और अभी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सभी लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं और विचार के माध्यम से हम लोग प्रशासन से बात किए, बात के माध्यम से प्रशासन अगर इसका निराकरण अगर निकाल लिया तो ठीक है, नहीं था कोई भी अगर इस क्षेत्र के लोग कदम उठाता तो इसका जवाब दे प्रशासन। धनबाद में अपराध खराब बढ़ा हुआ है, इस प्रशासन धनबाद में अपराध बढ़ा है और कहीं न कहीं ये आए दिन हत्या, अपहरण, गोली, बम, पूरे धनबाद में दहशत का माहौल है, लोग भय से जी रहे हैं और इसको सरकार का चिंता का विषय है। अपहरण का बात आ रहा है, यही हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द लड़की वापस करके इनकी परिवार को दे दिया जाए और जो मतलब इतना बड़ा साहस दुस्साहस किया है उस पर कार्रवाई किया जाए, इमीडिएट कार्रवाई किया जाए, नहीं तो फिर हम लोग सड़क में उतरने के लिए हम लोग पूरा भाजपा बात हो जाएंगे। पूरे मामले को देखने से ही लग रहा है कि ये घटना जो है बहुत ही निंदनीय है और राज्य सरकार जो है इस पर अपनी ओर से कोई भी पहल नहीं कर रही है, तो इसको देखने से लग रहा है कि इसको बहुत ज्यादा हद तक जो एक ये में इसको जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है कि किसके घर की बेटी है या किसके घर की बहू है। अब तो लगता है कि इस जिस तरह से राज्य सरकार अपने मतलब एक तरह से खुले आम मनमाने ढंग से हम जितने भी महिलाएं हैं इस झारखंड सरकार जो चल रही है वहां पर इस तरह की घटना का होना और राज्य सरकार की ऐसी कोई पहल न करना अपने आप में बहुत शर्मनाक है कि हम जो महिलाएं हैं इस राज्य सरकार के ये में हम लोग अपने आप को जो है जो ये कह सकते हैं कि एक अपने आप को एक जो हमारे लिए जो हम महिलाओं के लिए एक खुला वातावरण चाहिए जो एक हम लोग सुरक्षित जो महसूस कर सके वो सुरक्षित हम लोग अपने आप को अब नहीं महसूस कर रहे हैं। इस जो इस तरह से इनके द्वारा इस ऐसी तरह की घटना होती है और कोई पहल नहीं की जा रही। धनबाद में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, किस तरह प्रशासन की क्या भूमिका है इसमें तो फेल लग रही है। प्रशासन के जहाँ तक की भूमिका की बात है, प्रशासन सब समय चाहती है कि इसपे अच्छे ढंग से बिना पक्षपात के हुए कार्य हो, लेकिन अगर इस पर राज्य सरकार अपना कुछ जो है अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले तो क्या होता है कि प्रशासन को भी काम करने में मदद मिलती है, लेकिन अगर राज्य सरकार यहाँ पर आगे नहीं आ रही है तो प्रशासन इसमें क्या करे। प्रशासन कभी भी ये नहीं चाहते कि काम न है, प्रशासन बहुत समय पुलिस एक्यूज्ड के पिता को परिवार को उठाई थी उसके बाद छोड़ दिया गया, उसके बाद मामला तूल पकड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे?
बच्चे देखिए जहाँ तक जो मामला तूल पकड़ रहा है इसके बारे में यही कहना है कि ये जो तूल पकड़ जा रहा है इसमें तूल ना दे करके जल्दी से जल्दी इसका निराकरण किया जाए। जल्दी से जल्दी जिला प्रशासन से क्या मांग है? जिला प्रशासन से ये मांग है कि जो जो हम लोग की मांग है उसको ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी इस समस्या का निदान हो और जल्दी से जल्दी जो जो पढ़न जल्दी से बच्ची के पिता बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, इस तरह से आप क्या उनका दिल साथ दे रहे हैं? किसी के कार्यकर्ता और किसी के कार्यकर्ता की बात नहीं है, ये किसी के जो है ये एक पिता के बेटे की बात है, एक समाज की बात है, एक हम कह सकते हैं कि एक राज्य में एक देश में हमारे इस देश में एक बहू बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, इस तरह की घटना का होना निंदनीय है। और ये मैं पर्टिकुलरली किसी भाजपा कार्यकर्ता या किसी विशेष कार्यकर्ता के रूप में नहीं बोलती, ये एक तरह से कह सकते हैं कि हम जो महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित हम सब अपने आप को सुरक्षा से कब तक माने, कब से मानना शुरू करें, इस तरह की घटना हो रही है यही बहुत बड़ा निर्णय। पहले हम लोग प्रशासन को प्रथम दिन से लेकर आज तक हम लोग फिर से भैया एक इसमें क्या है, ये लड़की हमारे समाज की है, सभी लोगों के और ये समाज वाली बात है। बोले थाना में आज एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि जो घटना घटी है लड़की को बहुत ही दुखद है और मैं दोनों समुदाय के लोगों से विनम्र विनती करता हूँ, जितने प्रबुद्धजीवी मुस्लिम मंच के लोग जितने भी लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और इस मसले का जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए। आप देख रहे हैं आज जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, आज 10 दिन से हम लोग ये पूरी कोशिश है कि कहीं से भी किसी भी तरह से कोई वाद विवाद न हो या सामुदायिक कोई घटना न घटे, लेकिन इसमें अब आज गार्जियन की जरूरी है, दोनों तरफ से आना चाहिए और इस मामले को तुरंत निराकरण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जब आपकी एक सांस रोक ली जाती है तो आदमी तड़पने लगता है, एक परिवार का सांस रुका हुआ है, इस पर गंभीर विषय प्रशासन को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द बच्ची की रिहाई सकुशल हो और पिता को सुपुर्द करना चाहिए, इस परिवार को करना चाहिए, यही मेरी विनती है।